please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आज बायोफ्यूल से देश में पहली उड़ान भरी जाएगी. देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से स्पाइसजेट का विमान बायोफ्यूल से उड़ान भरेगा और 45 मिनट में दिल्ली पहुंचेगा. बायोफ्यूल से होने जा रही पहली उड़ान में इस प्रोजेक्ट से जुड़े 20 से ज्यादा अधिकारी दिल्ली पहुंचेंगे. भारत में बायोफ्यूल से ये पहली उड़ान है. अभी तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में ये प्रयोग सफल रहा है. देहरादून से आज पहली फ्लाइट जो बायो जेट फ्यूल के जरिए दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी, अपने आप में बड़ी उपलब्धि देश के लिए भी है, उत्तराखंड के लिए तो है ही. लगभग 10 साल की रिसर्च के बाद उत्तराखंड को ये उपलब्धि हासिल हुई है. भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के लगभग 25 वैज्ञानिकों ने 10 साल के सफल प्रयोग के बाद ये मुकाम हासिल किया है और आज वो घड़ी आ गई है जब स्पाइस जेट का ये विमान लगभग 90 यात्रियों को देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली रवाना होगा. खास बात यह है कि ये बायोफ्यूल अपने आप में खास है क्योंकि जट्रोफा और दूसरे जो एडिबल ऑयल्स हैं उनके जरिए रिफाइन करके ये बायो जेट फ्यूल बनाया गया है जो अपने आप में अनोखा है. दुनिया के दो ही देश अभी तक ऐसा कर पाए हैं. विकासशील देशों की लिस्ट में भारत पहला ऐसा देश होगा जहाँ पर बायो जेट फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है. देश में पेट्रोल और डीजल के दाम फिर आसमान छू रहे हैं. कई शहरों में डीजल के दाम में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है. दूसरी तरफ पेट्रोल के दाम में भी इजाफे, कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से देश में तेल के दाम में तेजी आई है. पेट्रोल के दाम में 13 पैसे जबकि डीजल के दाम में 14 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली. दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम में 77.96 रुपए प्रति लीटर दर्ज किए गए हैं. एक दिन पहले पेट्रोल के दाम यहाँ पर 77.83 रुपए प्रति लीटर थे. दिल्ली में डीजल का दाम भी 69.51 रुपए प्रति लीटर हो गया जबकि एक दिन पहले दाम 69.37 रुपए प्रति लीटर थे. मुंबई में पेट्रोल के दाम 85.38 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल के दाम 73.79 रुपए प्रति लीटर हो गए. कोलकाता में पेट्रोल के दाम 80.84 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 72.31 रुपए प्रति लीटर दर्ज किए गए. तो अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. पेट्रोल के दाम फिर से बढ़े हैं. मुंबई में भी इजाफा हुआ है. वहीं कोलकाता की अगर हम बात करें तो पेट्रोल 80.84 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल 72.31 रुपए प्रति लीटर. वहीं लखनऊ में पेट्रोल 78.37 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 69.76 रुपए प्रति लीटर है. नोएडा की अगर बात करें तो पेट्रोल 78.48 रुपए प्रति लीटर इसके दाम है. वहीं डीजल 69.66 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया है. जयपुर में पेट्रोल 80.94 रुपए प्रति लीटर वहीं डीजल 74.15 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया है. तो अलग अलग इलाकों के दाम हम आपको बता रहे हैं. चंडीगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर पेट्रोल 75.02 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं डीजल 67.53 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है. भोपाल में पेट्रोल 83.60 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल 73.17 रुपए प्रति लीटर. वहीं अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो पेट्रोल 77.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है. डीजल 74.53 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है. दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इस वक्त मैं दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहां तस्वीरों में कि आज जो पेट्रोल की कीमत है प्रति लीटर 77.96 रुपए है, 77.96 रुपए, और तो वहीं डीजल की जो कीमत है वो 69.51 रुपए है. तो अगर हम बीते एक सप्ताह पहले की बात करें तो बीते सोमवार को यानी बीते 20 तारीख को यहां पर पेट्रोल की जो कीमत थी वो थी 77.54 रुपए प्रति लीटर और वहीं डीजल की कीमत थी 69.09 रुपए प्रति लीटर. तो रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है दिल्ली में और ये तकरीबन 9 पैसे, 10 पैसे, 11 पैसे करके रोजाना वृद्धि हो रही है. मेरे साथ यहाँ पर सबसे पहले जो कर्मचारी काम करते हैं पेट्रोल पंप पे इनसे हम बात कर लेते हैं. ये बताइए भाई साहब कि कब से रोजाना बढ़ोतरी हो रही है? रो रेट बढ़ रहे हैं, पैसों में बढ़ रहे हैं, रुपए में नहीं बढ़ रहे, पैसों में बढ़ रहे हैं रो गाड़ियों. क्या आपकी बातचीत हुई है कि क्यों बढ़ रहा है इस तरह से रेट? हम किससे जाके बात करें, हम तो लेबर आदमी है, किससे जाके बात करेंगे, है कि नहीं जी? तो जो लोग आते हैं यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए क्या उन्होंने कभी आपसे पूछा कि रोज इतना बढ़ क्यों रहा है? तो ऑब्जेक्शन करते ही हैं पर हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? रोज कभी देखो कल 83 पैसा था, 96 पैसा हो गया, 13 पैसा बढ़ गया. कस्टमर तो बोल ही रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, है कि नहीं जी? हमारा काम है कस्टमर को तसल्ली देना, हम क्या कर सकते हैं जी, जो कर रहे हैं मोदी सरकार कर रही है.
मुंबई में पेट्रोल और डीजल के दाम में तेजी देखने को मिली। मुंबई में आज पेट्रोल के दाम 85.38 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए, जबकि एक दिन पहले वहां पर पेट्रोल के दाम 85.25 रुपए प्रति लीटर दर्ज किए गए। मुंबई में भी आज डीजल के दाम में तेजी दर्ज की गई, वहां पर 73.79 रुपए प्रति लीटर दाम हो गए, जबकि एक दिन पहले डीजल के भाव 73.64 रुपए प्रति लीटर थे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है और इसी के साथ रोजाना जो भाव बढ़ रहा है वो शनिवार से काफ़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। आज के पेट्रोल की कीमत है 85.38 रुपया, जबकि कल ये कीमत 85.25 रुपया, यानी कि सीधे के 12 पैसे जो है बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल की कीमत जो है वो 73.79 रुपया है, जिसकी कीमत कल 73.64 रुपया थी। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो कीमतें बढ़ रही हैं लगातार। जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है उसमें जिस तरह से क्रूड ऑयल की जो है, कच्चे तेल की जो है वो मांग बढ़ी है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल है उसकी कीमतें बढ़ी हैं। आप लोगों से जानना चाहूँगा कि जो कीमतें रोज़ाना बढ़ रही हैं उससे कितनी परेशानियाँ आप लोगों की जेब पर, आप लोगों के खर्च पर पड़ रही हैं। जो मंथली बजट रहता है जो फैमिली के लिए रहता है, उसके लिए पेट्रोल हर टाइम बढ़ते जाता है, तो थोड़ा ट्रैवलिंग के लिए भी थोड़ा तकलीफ होता है। ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन का प्रॉब्लम रहता है, टैक्सी विक्सी तो परवड़ते नहीं है। जो प्राइजेस अभी लगातार बढ़ रहे हैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, खर्चा ही बढ़ रहा है, अभी क्या बोल सकते हैं। खर्चा बढ़ रहा है, लोगों की परेशानियाँ बढ़ रही हैं। कतार में जो है वो लोग लाइन लगा के यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके देखें तो जो बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, उनमें जो है कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा कि असर जो है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। कुछ लोग हैं बात नहीं करना चाहते, लेकिन कीमतें परेशानी का सबब जरूर बनी हुई हैं। भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो जवाहरलाल नेहरू को इतिहास से मिटाने का काम ना करें। उन्होंने लिखा कि नेहरू सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं बल्कि देश के पीएम थे। मनमोहन सिंह ने पीएम को लिखा कि वो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और तीन मूर्ति भवन को एजेंडे के तहत बदलने की कोशिश ना करें। पिछले हफ्ते लिखी चिट्ठी में मनमोहन सिंह ने कहा था कि 6 साल तक वाजपेयी जी के कार्यकाल में कभी भी नेहरू मेमोरियल और तीन मूर्ति भवन के साथ छेड़छाड़ की कोशिश नहीं की गई, लेकिन आजकल ये लगता है कि भारत सरकार के एजेंडे का हिस्सा है। दरअसल सरकार तीन मूर्ति भवन में कांग्रेस के साथ साथ बाकी प्रधानमंत्रियों के लिए भी संग्रहालय बनाना चाहती है, जिसके विरोध में मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, जो मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है उसको बीजेपी किस तरीके से ले रही है? देखिए, बीजेपी का तर्क ये है कि तीन मूर्ति भवन जो है वो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का ही एक तरह से उनको याद करने का जरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत के और तमाम प्रधानमंत्री हुए हैं जिनका योगदान इस देश की राजनीति और इतिहास में रहा है, इस देश की नीति व्यवस्था में रहा है, और इसलिए जो तीन मूर्ति भवन है उसको तमाम प्रधानमंत्री जो रहे हैं, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, या उसके पहले नरसिम्हा राव, जितने भी प्रधानमंत्री हुए थे, उन सबकी याद वहां पर सजोनी चाहिए, वहां पर सबका मेमोरियल बनना चाहिए, न कि सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का। जबकि कांग्रेस ये लगातार कहती रही है कि जो मौजूदा सरकार है वो नेहरू की लीगेसी पर हमला करती है, बार बार कांग्रेस की लीगेसी पर हमला करती है, और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे लगभग 6 साल के आसपास, उन्होंने कभी कोई कोशिश नहीं की इस तरह से कि नेहरू म्यूजियम और लाइब्रेरी जो है उसका जो स्वरूप बदला जाए। तो ये सरकार आखिर क्यों नेहरू की विचारधारा पर और कांग्रेस की विचारधारा पर हमला कर रही है? आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका में अकाली नेता मनजीत सिंह जीके पर हुए हमले पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। हरसिमरत कौर के मुताबिक मनजीत सिंह और उनके भाई के ऊपर जो हमला हुआ उसका राहुल गांधी के साथ जरूर कोई ना कोई संबंध है। हरसिमरत के मुताबिक राहुल गांधी ने विदेश में कहा कि कांग्रेस 1984 के सिख विरोधी दंगों में शामिल नहीं थी और उसके कुछ घंटों बाद ही मनजीत सिंह पर हमला हुआ है, इसलिए दोनों में कोई ना कोई संबंध जरूर है। तो मनजीत सिंह पर हमले को लेकर राहुल पर वार किया है हरसिमरत कौर ने और कहा कि राहुल गांधी ने जब कहा था कि 84 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस का हाथ नहीं था, उसके बाद ही मनजीत सिंह पर हमला हुआ है, ऐसे में इन दोनों का आपस में संबंध है। वो जाके ऐसी बड़ी बात बोल रहे हैं विदेशी सॉइल में, हालांकि ये अलग बात है कि 2014 में खुद उन्होंने माना था एक टीवी चैनल पे कि हाँ कांग्रेसों का हाथ था। अब जाके
यूके में, जहां अभी इतनी बड़ी गिनती में एक महीना पहले इकट्ठ हुआ, जहां देश भर के ऐसे लोग वहां पे इकट्ठे हुए, वहां जाके बोल रहे कांग्रेस का कोई हाथ ही नहीं था। इस मामले में कांग्रेस नेता केटीएस तुलसी ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस सच का दूध पानी का पानी कर देगी, ये आपकी गिल्ट कॉम्प्लेक्स बोल रहा है के भटकाना के लिए पुलिस, ये भारत की पुलिस नहीं है जो भटक जाएगी। वहीं आतंकी हाफिज सईद के करीबी पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गोपाल सिंह चावला ने मनजीत सिंह जीके के साथ अमेरिका के हुई मारपीट पर खुशी भी जाहिर की। पूरे सिख जगत वास्ते बहुत खुशी की गल है कि आज दिल्ली के प्रधान मनजीत सिंह जीके नो अमेरिका दे विच बड़ी तुन के कुट पई है और छातियां कलेजे साडे ठर गए, क्योंकि बड़ी बकवास करदा सी कि खालिस्तानी कुछ भी नहीं है, सानू खालिस्तानी पसंद नहीं है, खालिस्तानी नु बेअंत सिंह ने पजाता सी ते मैं बड़ा शेर है, ए बकवास है जिहड़ी करदा सी, अज उहदी बकवास दा उहनू जवाब मिल गया। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 84 के सिख विरोधी दंगों पर बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी पर ऐसे बयान शोभा नहीं देते हैं। उमा ने कहा कि जिस व्यक्ति को याद ही नहीं रहता हो कि क्या बोलना है, ऐसे व्यक्ति के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होने की वो भगवान से प्रार्थना करेंगे। जिस व्यक्ति को याद ही ना रहता हो कि क्या बोलना हो क्या करना है, उस व्यक्ति के लिए तो मुझे लगता है कि उसको मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए मैं आज भगवान से कल्याण की कामना करूंगी उनकी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुझे उस पार्टी की भी चिंता लग रही है। राहुल गांधी पर उमा भारती के बयान पर कांग्रेस ने जवाब देने में देर नहीं की और केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी को पीएम मोदी को खुश करने की कोशिश बताया। कांग्रेस के नेताओं ने उमा भारती की ही मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए। हंसी आती है उनके इस वक्तव्य पे और दया भी आती है कि उनकी इस लाचारी भरे बयान पे, लाचारी और दया इसलिए क्योंकि श्री उमा भारती जी बड़ी भयभीत हैं इस समय उनके निजाम से, सभी भयक्रांत हैं कि जो उनके निजाम को सुनना है वो बात बोली जाए। राहुल गांधी मंगलवार को बाढ़ प्रभावित केरल का दौरा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 28 और 29 अगस्त को केरल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। केरल में आई बाढ़ के समय सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने सुरक्षा बल को धन्यवाद दिया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद में 11 साल पहले गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क में हुए 2 बम धमाकों के मामले में कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वियतनाम और कंबोडिया की 5 दिन की यात्रा पर हनोई पहुंची। दिल्ली के नांगलोई इलाके में 2 लोगों का कंधा से कंधा टकराने के विवाद में एक आदमी ने दूसरे शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक नांगलोई के रेगड़ चौपाल इलाके में मृतक जीतू के कंधे से दीपक नाम के आदमी का कंधा टकरा गया था, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ, गाली गलौज हुई। इसके बाद आरोपी दीपक ने पीट पीट कर जीतू की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में कुछ लोगों ने छेड़खानी के आरोप में एक लड़के की पिटाई कर दी। बताया गया कि आरोपी लड़का वहां से गुजरने वाली लड़कियों से छेड़खानी करता था, जिससे इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क गया और वो आरोपी के मकान पर पहुंच गए। इस बीच कुछ लोगों ने आरोपी लड़के पर थप्पड़ बरसा दिए। इस दौरान कुछ लोगों ने लड़के को भीड़ की पिटाई से बचाया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो आरोपी पर चिल्लाते रहे। इलाके के लोगों का आरोप है कि लड़का अपने मकान के सामने से जाने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। ये भी आरोप है कि लड़के ने छोटी बच्चियों के साथ कई बार अश्लील हरकतें की। इस बीच आरोपी लड़के ने अपने मकान के अंदर जाने की कोशिश की तो लोगों ने रोककर उससे माफी मंगवाई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी लड़के को चेतावनी देकर छोड़ दिया। पंजाब के अमृतसर में बाइक सवार 2 लुटेरे सड़क पर जा रही एक महिला का पर्स छीनने लगे। आरोपी की लूट की इस वारदात के समय महिला को गंभीर चोटें आईं, क्योंकि महिला ने इस बीच पर्स नहीं छोड़ा और वो काफी दूर तक सड़क पर घसीटती चली गई। तस्वीरों में दिखा कि बाइक सवार उसी सड़क से पहले गुजरे और जब महिला को उन्होंने अकेले पैदल चलते देखा तो वो वापस लौटे और चलती बाइक से महिला के पर्स को छीनने की कोशिश करने लगे, लेकिन महिला ने अपने पर्स को नहीं छोड़ा
और वो काफी दूर तक बाइक के पीछे जमीन पर घसीटती चली गई। इस बीच सड़क से कई गाड़ियां भी गुजरी, लेकिन घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को मदद करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद आरोपी महिला का पर्स छीन कर फरार हो गए। इस घटना के वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई का दावा किया। बताया जा रहा है कि वारदात का शिकार हुई महिला को गंभीर चोटें आईं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कुछ लोग पुलिस वालों पर ईंट पत्थरों से हमला करने लगे। बताया गया कि वहां राखी बेचने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसे शांत करवाने पहुंचे पुलिस वालों पर कुछ लोग पत्थरबाजी करने लगे। बताया गया कि विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब एक लड़की राखी का ठेला लगा रही थी। इसी बीच किसी ने उसके साथ मारपीट की, जिसमें वो घायल हो गई। इसके बाद देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्ष भिड़ गए, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए, जबकि कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। हालात ज्यादा बिगड़ने पर पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ पहुंचे और गुस्साई भीड़ को काबू में किया। पूरी तरह स्थिति सामान्य है, नियंत्रण में है, लेकिन इसमें कड़ी चौकसी रखी जा रही है। पुलिस ने हंगामा और मारपीट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दावा किया।